चौरई नगर के मुख्य छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर रोड किनारे नाली के ऊपर और बाहर तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिससे राहगीरों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आम नागरिकों को व्यवस्था उपलब्ध कराने के मकसद से पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुपालन की अपील की। छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनायक वर्मा साहब और एडिशनल एसपी साहब श्री अवधेश प्रताप सिंह साहब, एसडीओपी साहब श्री सौरभ तिवारी साहब, सभी अधिकारियों का जैसे ही आचार संहिता लगा है उसी तारतम्य में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और किसी बड़े अच्छे से चुनाव को संपादित करने, आवागमन किसी तरह प्रभावित ना हो आदि समस्याओं पर बड़ा स्पष्ट आदेश निर्देश मिला। उसी आदेश निर्देश के पालन में कल, मतलब ये तो पहले ही देखा जा रहा था कि चौरई का काफ़ी चौड़ा रोड है, बड़ा और बड़ा क्षेत्र है, बट तो यहाँ अतिक्रमण इतना ज़्यादा, लोग पूरे रोड में आ गए थे कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी मजबूरी थी कि रोड में गाड़ी खड़ा करना पड़ रहा था। और इससे बहुत सारी, मतलब आवारा पशु घूम रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जा रही है। इन समस्याओं को देखते हुए अभी कल हमने बड़ा विस्तृत एक जो अतिक्रमण पड़ा हुआ था उसको हटाने का कार्रवाई किया गया। इसमें नगर पालिका के भी कर्मचारियों को साथ में लिया गया और इसका हमें यहाँ के व्यापारीगण, जन सामान्य लोग और जनप्रतिनिधिगण, इन सभी जो पूर्व के हैं, इन सबका बहुत सहयोग मिला और सभी ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। और अभी तो मतलब चौरई क्षेत्र का पूरा अतिक्रमण लगभग जो रोड तरफ आया था उनको हटा के और बहुत अच्छा रोड कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया, तो हमारा चौरई भी क्लीन चौरई बना।